एशिया कप के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कर दिया। इस टीम में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिले। केएल राहुल को जहां पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद उन्हें टीम में जगह मिली, वहीं टीम में तीन स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली, उसमें चहल और रवि अश्विन का नाम शामिल नहीं है। टीम के ऐलान के बाद जब प्रेस वार्ता में मौजूद कप्तान रोहित शर्मा से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चयन के दौरान लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर दोनों के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन हम ऐसे खिलाड़ी को चुनना चाहते थे जो नंबर 8 या नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने की प्रतिभा भी रखता हो। रोहित शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हमने एक ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर को लेकर काफी गंभीर चर्चा की, लेकिन नंबर 8 या नंबर 9 पर हम ऐसे खिलाड़ी को चाहते थे जो बल्लेबाजी भी कर सके। अक्षर ने इस साल अब तक काफी शानदार प्रदर्शन किया है। उसके टीम में रहने से हमें एक बाएं हाथ के खिलाड़ी का विकल्प भी मिलता है जो ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखता है। हमने चयन के समय अश्विन और चहल को लेकर भी चर्चा की थी। आप देख सकते हैं कि हम चहल को भी जगह नहीं दे सके क्योंकि सिर्फ 17 खिलाड़ियों को ही शामिल कर सकते थे। साल 2023 में अक्षर पटेल का अब तक 50 ओवर फॉर्मेट में प्रदर्शन देखा जाए तो उन्होंने 6 मैचों में 16 के औसत से कुल 64 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में 53.33 के औसत से सिर्फ 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। अक्षर को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके थे। अब इस पे बात यह भी की जा रही है कि अगर आपको बल्लेबाजी के लिए एक और विकल्प स्पिन डिपार्टमेंट से चाहिए था तो अश्विन के पास भी बल्लेबाजी करने की क्षमता है और उनके पास अक्षर से कहीं ज्यादा अनुभव है, लेकिन सिर्फ एक नजरिए में वो पीछे रह जाते हैं, वो है बाएं हाथ की बल्लेबाजी, क्योंकि भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में एक बाएं हाथ का एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी चाहिए था जिसकी कमी अक्षर पटेल पूरी कर रहे थे। आपका इस पर क्या मानना है? क्या रवि अश्विन को, इतने अनुभवी खिलाड़ी को, इतने बड़े टूर्नामेंट एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप खेला जाना है, इन दोनों को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।